subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कितने दिन से हो तुम? मैं एक महीना 11 दिन. क्या फर्क आया 1 महीना 11 दिन में? एक फर्क आया, अच्छा फील हो रहा है. अच्छा फील हो रहा है. अब लेते तो नहीं कुछ भी? नहीं. पहले क्या लेते थे? मैं पहली बार आया गांजा बीड़ी स्मैक. गांजा बीड़ी स्मैक. कहाँ तक पहुँच रहे थे? ओके, क्या उम्र की है तुम्हारी? 13 साल. कब से शुरू किया था? 8 साल में. कहाँ से शुरू किया था? क्लास में बच्चों ने दिया? नहीं. हाँ, कैसे? बाहर घूमता था मैं. बाहर घूमते थे तो लड़के जो वहाँ गली में घूमते थे उन्होंने लगाई आदत. क्या कहते थे? कहते थे नशा कर ले. उससे क्या होगा? उससे पता नहीं, मैं भी करने लगा, फिर मैं भी सीख गया. स्कूल भी छूट गया. कितना पढ़े? बस पाँचवीं छूट गया. पाँचवीं क्लास में. पाँचवीं क्लास में छूट गया. स्कूल भी छूट गया, घर भी छूट गया, है ना. मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं, मम्मी भी काम. दोनों काम पे चले जाते हैं तो पीछे से फ्री हो के आप लड़कों के साथ चले गए थे. अब आगे से तो नहीं करेंगे? एक बच्चा कितना का स्मैक एक दिन में पी लेता होगा? स्मैक इज हीरो. पाँच हजार का एक दिन में, और हर रोज लेना पड़ता होगा. तो कहाँ से लाते थे पैसे? मम्मी क्या करती है? और पापा? इतना तो पैसा नहीं आता होगा, तो फिर उसकी वजह से करते थे ना. गली के लड़कों ने आपको इस रास्ते पे डाला और इस वजह से आपको घर में गलत काम करना पड़ा, ठीक है ना. और देखो कहाँ तुम्हारी सेहत. कितने साल की हो तुम? 16 साल के लगते हो. हैं आप बेटा कितने साल से ले रहे हो? 6-7 साल. अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपसे बड़े तो कोई हो नहीं सकते दिल्ली में. स्मैक मिलना आसान है या मुश्किल है? आसान भी है, मुश्किल भी. अच्छा, आसान कैसे और मुश्किल कैसे है? हमारा तो बहुत सारी जगह पे मिलते हैं. कौन सा इलाका आपका है? सुल्तानपुर. बहुत सारा इलाका है उसमें. कहाँ पे? पान वालों के पास मिलती है या वो परचून की दुकान पे मिलती है? सासी मैम, सासी बेचते हैं. सासी तो हाँ ठीक है, तो पर सासी क्या कोई दुकान लगाते हैं? घर के अंदर बेचते हैं. चोरी छुपे पुलिस वाले आ जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, फिर आप कहीं और मिल जाती है. तो उनके सब पता कैसे चलता है उनके घरों का? हमारे को मैम, हमारे यार दोस्त कहीं यार दोस्तों से नेटवर्क करके पता चल जाता है. सुल्तानपुरी में रफली कितनी जगह पे मिलती होगी? बहुत सारी जगह मिलती है ना. सर आपके साथी हैं लेकर आते हैं. सर एक कैलकुलेशन लोगों ने किया है, 184 kg हीरोइन हर दिन दिल्ली में लोग कंज्यूम कर रहे हैं. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है. और 101 kg हीरोइन 4 करोड़ के आसपास है. उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए 365 डेज. कितना पैसा अंडरवर्ल्ड को जा रहा है सर? इट इज नॉट गोइंग इन इट्स सिस्टम. मतलब आप 0-0 काउंट करते हुए थक जाएंगे. तो आप सुल्तानपुरी के हो? वहाँ पे भी आसानी से मिल जाता है नशा स्मैक? कोई ऐसा बताएगा जिसको स्मैक के लिए 10 मिनट से ज्यादा वॉक करना पड़ता होगा? या अपने घर से कितनी देर वॉक करनी पड़ी? आधे घंटे दूर जाना पड़ता है. कहाँ पे, कौन सा इलाका? सर सोनापुर वादली से समनपुर पर. हां, और 101 जाना पड़ता है बस. अच्छा, बाकी सबको अपने घर के आसपास ही मिल जाता है? किसी को आधा घंटा, किसी को 10 मिनट. तुम्हें कितना टाइम? आधा घंटा. सो 10 मिनट से आधे घंटे की दूरी में आपको चलने पे मिल जाती है स्मैक. गरिमा जी, दिस इज टू शो टू यू, आपके जो सुल्तानपुरी में डी एडिक्शन सेंटर लगाया है, इतने साल में उन्होंने सिर्फ 2 डी एडिक्शन कराए हैं. और सी कितने बच्चे वहाँ से आए हैं? मैम, लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन ये है, जो सी पी एल आई है, जो आप लोगों ने सूर्योदय में शुरू किया है, उसको स्केल अप करना होगा सूर्योदय में. और कम से कम 50,000 बच्चे अगर एक साल में हम कवर करेंगे, तब ये फ्लड रुकेगा. आप इस जब आप हमारे दिल्ली गेट वाले में जाइएगा, इससे भी छोटे बच्चे, मतलब कभी कभी तो लिटरली आपको लगता है बच्चे को गोदी में लेके मैं जाऊँ. जो लड़कियों का सेंटर है
अधिकतर जो बच्चियां हैं, आप लोग जानते हो जो लड़कियां नशा करती हैं, और सब ट्रैफिक हो रही है, बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, तो पैसे के तो बहुत मुश्किल है सस्टेन करना, क्योंकि इनका सब कुछ हमें देखना, खाना, टीचर्स, मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन हाउ मच स्पेंड वी हैव टू स्पेंड ऑन देम. See, more than your observation, sir, children's release, how do you monitor? वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हम लोगों ने दो काम किया है कि एक अभी हम लोगों ने एक नया शुरू किया, जो बच्चा आ जाता है, चूंकि बहुत सारे बच्चे जाके ऑनरेबल जे जे बी में बोल देते हैं कि मैं नशा करता हूँ, यहाँ आ जाते हैं, तो उनका टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, उसमें चीज़ें निकल कर आ जाती हैं. फिर छः महीने तक हम सबका नहीं कर सकते, मगर कुछ बच्चों को हम लोग टेस्ट करते हैं जिसको लगता है रिकवरी अच्छी हो रही है यूरिन टेस्ट से, और वहाँ फॉलोअप करते हैं. सो दिस ऑल हैव टू बी इंटीग्रेटेड इन द फॉलोअप प्रोग्राम. और अच्छी बात यह है कि अधिकतर बच्चे रिकवर कर जाते हैं, कुछ रिलैप्स करते हैं. जो रिलैप्स करते हैं अनफॉर्चुनेटली चाहे तो यहाँ आते हैं या फिर तिहाड़ जेल नंबर 5 में पहुँच जाते हैं. बाय दैट टाइम उनकी एज हो जाती है, वो वहाँ जी. तो मगर फॉलोअप वो DCPO को करना है, और आप लोगों ने एक बार ऑर्डर भी पास किया था, समझ वो तो हो नहीं पा रहा. तो DCPO चूँकि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, और दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, अगर हम एक बच्चे के लिए अगर हम जाएंगे तो पूरा एक स्टाफ हमारा दिन वहाँ लग जाता है. सो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड वी नीड टू ऑल्सो डेवलप सम सिस्टम कि हर बच्चा मॉनिटर हो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, और एक साल अगर वो क्लीन रहता है तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी. हमारे पास ऑलमोस्ट 40% स्टाफ है, दे आर ऑल फ्रॉम द रिकवरी बैकग्राउंड. इसीलिए ना, ये तो बच्चे छोटे हैं, प्लेस ऑफ सेफ्टी में हमने रिहैबिलिटेशन में NSTC से करके आस्क योर ऑफिसर्स दे वुड बी नोइंग प्रोग्राम्स करे थे, ताकि उनको जब वो वहाँ पे लॉज होते हैं उनको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वगैरह की ट्रेनिंग दी थी. विद द रिजल्ट, जिस दिन वो बाहर निकले थे ना, उनके हाथ में एम्प्लॉयमेंट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सब कुछ था, विदाउट देयर आइडेंटिटी दैट दे केम फ्रॉम प्लेस ऑफ सेफ्टी. क्योंकि आप जब तक उनको वोकेशन में नहीं लगाओगे, वो वापस फिर इन्हीं गली के लड़कों के पास जाए. और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो आम आप जो चेन छीनना आम बात है, लोग छीनते हैं चेन. हाँ, कैसे छीनते हैं? स्कूटर से, बाइक से. सो दे ऑल आर अवेयर. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इट्स इंश्योरेंस, इफ यू टेक केयर ऑफ देम वी आर सेफ ऑन द स्ट्रीट. आप कितना पुलिस बढ़ाइएगा, पुलिस हैज इट्स ओन लिमिटेशन. द ओनली थिंग इज अर्ली प्रिवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, यही तीन मंत्र है. हमारे बीच में माननीय हाईकोर्ट के जो सबसे सीनियर जजेस हैं वो हमारे बीच में आए हैं, और इसमें विशेष हैं मैडम मुक्ता गुप्ता मैडम, इन्होंने ही ये सेंटर स्टैब्लिश करवाया था, ये शुरू करवाया था. तो आपके लिए, गरिमा जी के लिए, डायरेक्टर कुमार जी के लिए, इन सब के लिए आप धन्यवाद का ताली बजाओ.